हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको लेक्सिस ऑडियो ऐप के बारे में बताने वाला है, जो कि आपके वॉइस के बैकग्राउंड नॉइस को हटा देगा। उसके लिए आपको सबसे पहले किसी फाइल को ओपन करना है। अब फाइल मैनेजर में वीडियो में देख लेते हैं कोई फाइल है क्या नहीं। ओपन विद फाइल मैनेजर करते हैं। यहाँ पर रीसेंट में जाते हैं, वीडियो देखते हैं, कोई वीडियो आएगा तो उसको ले लेंगे। ये आ गया, इस वीडियो को हम लोग ले लेते हैं। वीडियो की वॉइस को हम लोग उसका रिडक्शन कर देंगे और वॉइस को वेव फॉर्म में सेव कर देंगे। तो इसके लिए फाइल ले आए हम। देखिए यहाँ पे नॉइज बहुत ज़्यादा है, इसको प्ले करके देखें। हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूट्यूब चैनल पे आप कम्युनिटी में जा करके अब कैसे हम नॉइज रिडक्शन करने के लिए इसको थ्री डॉट पे दबाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट पे दबाएंगे। और इफ़ेक्ट पे दबाएंगे, इफ़ेक्ट में नॉर्मलाइज करेंगे तो आपका वीडियो नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर जाएंगे और इफ़ेक्ट दबाएंगे और वहाँ पर जाकर के नॉइज़ रिडक्शन करेंगे तो आपकी फ़ाइल में जो नॉइज़ होगी वो चली जाएगी। यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी सेट है सब कुछ। तो आप इस तरह से लेक्सिस ऑडियो एडिटर में अपनी वॉइस नॉइज़ को हटा सकते हैं। ये देखिए आपका ये कम हो गया। अब इसको प्ले करके देखिए। हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूट्यूब चैनल पे आप कम्युनिटी में जा करके कैसे इस तरह से आपका वॉइस जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेव में दबाइए, सेव में देखिए ये वेव फॉर्म में आएगा। ये बेस्ट फॉर्म होता है जिसमें आप सेव कर पाइए, और जब फाइल सेव कर दीजिएगा तो ये आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी और विद नॉइज रिडक्शन। अब इस फाइल को आप काइंड मास्टर में जा कर के अपने वीडियो में चेंज कर सकते हैं, या किसी भी ऐसे वीडियो एडिटर में जिसमें वॉइस आपकी वीडियो से अलग हो जाती है, उसमें जा कर के पुरानी वॉइस को हटा कर नई वॉइस को लगा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।